एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वंदना, कैसे हो आप सब, केम छो तमे। आई होप कि आप सब मस्त होके ठीक होगे और मजा मोगे। अगर आप मुझे मेकअप प्रोडक्ट्स या तो स्किन केयर प्रोडक्ट दोनों में से कोई एक चूज करने के लिए बोलोगे तो ऑलवेज मेरी टॉप लिस्ट में प्रायोरिटी में स्किन केयर प्रोडक्ट ही आएगी। मुझे स्किन की देखभाल करना, स्किन को पेम्पर करना बड़ा ही अच्छा लगता है, और खास करके अगर आप यू नो गुड स्किन केयर प्रोडक्ट को यूज़ करते हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर मैं दो प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी यू नो स्किन केयर गेम को टोटली चेंज कर दिया है, वो है लॉरियल पेरिस की ये दोनों प्रोडक्ट। एंड लॉरियल पेरिस के यू नो प्रोडक्ट्स में आपको यूनिक इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं जो आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, आपकी स्किन को हेल्दी बनाकर रखते हैं। और खास करके लॉरियल पेरिस की जो प्रोडक्ट है वो ऑल स्किन टाइप को सूट करती है। इंटरनेशनल डर्मेटोलॉजिस्ट की पैनल होती है जो लॉरियल पेरिस की प्रोडक्ट होती है उसको वैलिडेट करती है, सेफ फॉर्मूला एंड खास करके क्लिनिकल रिसर्च के बाद जो कोई प्रोडक्ट होती है वो रेडी होती है। तो आज यहाँ पर मैं लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस एंड लॉरियल पेरिस 1.5% हाइलुरोनिक एसिड, ये दोनों प्रोडक्ट मेरे स्किन के रूटीन में इंक्लूड करके बताऊंगी एंड आपको बताऊंगी कि कैसे मेरी जो एक स्किन केयर की गेम है ना वो ये दो प्रोडक्ट से चेंज हो गई है। एंड दोनों प्रोडक्ट उसी तरीके से बनाए गए हैं, एकदम लाइट यू नो कंसिस्टेंसी के, जो क्विकली स्किन के अंदर भी चले जाते हैं, एक स्मूथ फिनिश आपकी स्किन के ऊपर देते हैं, आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, रेडिएंट एंड प्लम्पी इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर आपको यू नो इंस्टेंटली दिखाई देता है। रिलीजियसली ये दोनों प्रोडक्ट मैं मेरे स्किन के रूटीन में इंक्लूड करती हूँ डे एंड नाइट टाइम में। तो चलिए छोटा सा वीडियो है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रो एसेंस मैं लास्ट जुलाई 2020 से यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी सेकेंड बोतल है ऑलरेडी, जो ये सेकेंड है ना वो भी इतनी तो खत्म हो चुकी है। जस्ट यू नो वाटर लाइक कंसिस्टेंसी की वजह से आपको 3 to 4 ड्रॉप्स ही अप्लाई करना होता है ताकि ये काफ़ी लॉन्ग लास्ट चलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस के बारे में, जिसको लिक्विड स्किन केयर बोला जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी की वजह से आप देख सकते हो कम्प्लीटली ये पानी जैसा ही आपको दिखेगा, राइट। ये 10 लेयर तक डीप आपकी स्किन के अंदर जाता है, आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है। इसके बाद कोई भी आप प्रोडक्ट लगाओगे लाइक हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट लगाओगे वो जल्दी से आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो, इसलिए आपको इसे सबसे पहले यूज़ करना है। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया गया है जो एक्सफोलिएशन के लिए बेस्ट माना जाता है, डेड स्किन को हटाता है, ये आपके पोर्स को अनक्लॉग करता है, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स को दूर करके आपकी स्किन को रेडियंट एंड प्लम्प बनाता है। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड प्रोडक्ट लॉरियल पेरिस 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम। डर्मेटोलॉजिस्ट भी हमें रिकमेंड करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट का ये फेवरेट इंग्रेडिएंट है, आफ्टर 20 हमें सजेस्ट करते हैं कि हम सबके स्किन के रूटीन में ये होना ही चाहिए। आप सोचेंगे कि आफ्टर 20 ही क्यों, तो सबसे पहले तो एच इज़ अ नेचुरल मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी हमारी स्किन के अंदर मौजूद होता ही है, बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वो जो एच ए का लेवल होता है वो डिक्रीज होता जाता है, डिप्लीट होता जाता है। तो एच ए लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सटर्नल तरीके से एच ए सीरम को यूज़ करना पड़ता है हमारी स्किन को रेडिएंट बनाने के लिए। एच ए इज़ ऑल्सो नोन एज अ मॉइस्चर मैग्नेट, इट कैन होल्ड अप टू 1000 टाइम इट्स ओन वेट इन वाटर, एंड 1.5% राइट कंसनट्रेटेड अमाउंट लॉरियल पेरिस एच ए सीरम में यूज़ किया गया है। ये हमारे स्किन रेडियंस को 42% मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। ऑलवेज ध्यान रखिए, मैंने आपको मेरे बहुत सारे वीडियो में बताया है कि कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आपके चेहरे के ऊपर यूज़ करने से पहले आप आपका फेस अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स लाइक 4 to 5 ड्रॉप्स आप ले लीजिए आपके हाथों में, आपको कॉटन पैड की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाथों में लेने के बाद आपको जस्ट आपके चेहरे के ऊपर डेप डेप करना है ताकि क्विकली ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। As you can see here कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो टोटली वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है, तो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने में ये बिल्कुल टाइम नहीं लगाता है, लाइट वेट कंसिस्टेंसी है, नॉन स्टिकी कंसिस्टेंसी है, जल्दी से आपकी स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपकी स्किन को रेडियंट प्लम्प एंड खास करके ब्राइट बनाता है, क्लियर बनाता है। इसके तुरंत बाद आपको अप्लाई करना है लॉरियल पेरिस 1.5 हाइलुरोनिक एसिड सीरम। आप ड्रॉपर की मदद से आपके फेस के ऊपर 3 to 4 ड्रॉप्स जस्ट यू नो ड्रॉप कर दीजिए एंड उसके बाद जस्ट आपकी फिंगर की मदद से इसको अप्लाई कर लीजिए, स्प्रेड कर लीजिए, धीरे धीरे आप डिप कर दीजिए। तो गाइस ये जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम है वो स्लाइटली
थिक है माइक्रो एसेंस के कंपेरिजन में, बट फिर भी ये लाइट वेट है। आपकी स्किन को ये बहुत ही जल्दी से क्विकली रेडिएंट करता है, प्लम्प करता है और खास करके हाइड्रेटेड करता है। और ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो नॉन ऑयली नॉन स्टिकी है, तो आप कोई भी वेदर में इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सबसे पहले माइक्रो एसेंस यूज़ क्यों किया था। कि स्किन केयर रिजिम का रूल है कि लाइटर स्किन केयर प्रोडक्ट यानी एकदम यू नो पतली कंसिस्टेंसी वाली जो प्रोडक्ट है ऑलवेज गो फर्स्ट, इसीलिए मैंने ये अप्लाई किया था ताकि वो हमारी स्किन को रेडी कर पाए। हमारी स्किन को रेडी करने के बाद जो भी हम उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे वो अच्छे से हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो पाएगी। उसके बाद यहाँ पर एच ए सीरम लगाया था जो कि क्विकली हमारी स्किन के अंदर एब्सॉर्ब हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो स्किन है वो माइक्रो एसेंस की वजह से रेडी हो चुकी है। माइक्रो एसेंस हमारी स्किन के ऊपर मॉइस्चर को ऐड करता है और सेम अदर साइड ये जो एच ए सीरम है ना वो वही एडिशनल मॉइस्चर को हमारी स्किन के ऊपर लॉक करके रखता है। और खास करके एच ए इज एन इंग्रीडियंट इज एबल टू होल्ड 1000 टाइम इट्स ओन वेट इन वाटर, इसीलिए जो ये एले यानी लॉरियल पेरिस के ये जो दोनों प्रोडक्ट है ना वो सही में वंडर की तरह मैजिक की तरह काम करते हैं। और ये दोनों प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आप आपकी जो मॉइस्चराइजर या तो आपकी फेस क्रीम लगा लीजिए, और अगर आप कहीं पर बाहर जा रहे हो डे टाइम में तो आप सनस्क्रीन के बाद आपका स्किन केयर रूटीन कंप्लीट कर सकते हो, और अगर नाइट में फॉलो कर रहे हो तो आपका जस्ट मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना है। थैंक्स टू द लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस एंड हाइलुरोनिक एसिड सीरम, ये जो दोनों प्रोडक्ट है ना इससे मेरी स्किन बहुत गाइस इंप्रूव हुई है। आई कैन सी विजिबल रिजल्ट ऑन माई स्किन। आपकी जो स्किन है आपको क्रिस्टल क्लियर तो लगती ही है, बट उससे बढ़िया ये काम करता है आपकी स्किन को रेडियंट प्लम्प और हाइड्रेटेड करने का। ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो आप एक साथ यूज कर सकते हो दिन में दो बार, डे टाइम में एंड नाइट टाइम में। लॉरियल पेरिस क्रिस्टल माइक्रो एसेंस तीन साइज में अवेलेबल है, 22 ml, 65 ml एंड 130 ml, एंड एच ए सीरम दो साइज में अवेलेबल है, 15 ml एंड 30 ml। दोनों की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, एक बार आप इसे जरूर ट्राई करना। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के नए और भी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, सी यू एंड आई लव यू ऑल सो मच।